श्रीलंका इस वक्त आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है। दिन हो या रात हो, यहाँ पर लोग लाइन लगाए नजर आ रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप पर है तो कोई एलपीजी के लिए लाइन लगाया हुआ है। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये निगम्बो जगह है। यहाँ पर रात का वक्त हो रहा है लेकिन अभी भी लोग कतारों में लगे हैं। केरोसिन प्रॉब्लम, वी वर हियर एट अबाउट 3 o'clock। यस, ऑलमोस्ट 5-6 hours वेटिंग, यानी कि 5 से 6 घंटे का इंतजार हो रहा है। दोपहर में 3 बजे आए थे, रात का 9:30 भी बज रहा है लेकिन फिर नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और ये वो लोग हैं जो कि अलग अलग इलाकों में रहते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माएँ पहुंच रही हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को खाना बना के खिलाना है, घर का काम है, लेकिन बिना केरोसिन के नहीं हो सकता है क्योंकि सिलेंडर पहले ही नहीं मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर पहले ही नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर केरोसिन भी नहीं मिलेगा तो फिर आखिर घर में खाना कैसे बनेगा। इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो माएँ आई हुई हैं अपने साथ में, यही सुनिश्चित करने के लिए कि इन लोगों का पेट भरा जा सके, इस वजह से परिवार के लोग आए हुए हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लोग कोई 6 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, कोई 7 घंटे से, कोई 8 घंटे से, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। भले ही है देर शाम क्यों ना हो गई हो, रात का वक्त क्यों ना हो रहा हो, लेकिन लोग अभी भी इसी उम्मीद के सहारे लगे हुए हैं कि इनको कम से कम मिल जाए जिससे कि अपने घर में जा कर के खाना बना सकें। तो ये जो लाइन है ये केरोसिन की है, केरोसिन के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। और देखिए, अंदर भी जो भी पहुँच रहा है उसको लिमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, एक सीमित संख्या में, सीमित मात्रा में ही ये केरोसिन दिया जा रहा है। और ये भी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लाइन में लगे रहते हैं लेकिन जब तक उनका नंबर आता है तब तक केरोसिन खत्म हो जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीलंका के खास तौर पर छोटी जगहों पर, जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी आम है, जहाँ पर लोग घंटों घंटों इंतज़ार करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। किस तरीके की दिक्कत हो रही है? क्या केरोसिन मिल रहा नहीं मिल रहा? मिलता नहीं, ये लोग बोले टोकन दिया इतना बस, इससे आगे पूरा जाओ घर पे जा बोल रहे। मतलब कुछ ही लोगों को दिया, जिसकी किस्मत है उसको मिल गया, इसको मिल गया। और फिर बाकी लोग 180 नंबर दिया हुआ, इसके पीछे से आदमी बोल दिया जाओ घर पे, दूसरा आदमी नहीं है। और वो 180 लोग भी कितने घंटों बाद उनको मिलता है? 3-4-5 सुबह सुबह से खड़ा किया है, सुबह से खड़े हैं और अभी जो रात हो गई है, रात का अभी किया है, मतलब 10-12 घंटे। दूसरा आदमी के भी नहीं मिला है, अभी वो बोलता है, सब पुलिस वाला बोलते हैं जाओ, नहीं मिलता है। सुबह से खड़े हुए हैं और अभी नंबर आ रहा है, तब तक जब तक पहुंचेंगे ये भी पता नहीं है कि तब तक भी खत्म हो जाए। अभी बोलते 180 में जाओ बस, नहीं है। यानी कि गिने चुने लोगों को बाकायदा जो यहाँ पर लाइन लग जाती है, टोकन दिया जाता है, उसके बाद में कहा जाता है कि टोकन से ज़्यादा लोगों को नहीं। ये वो लोग हैं जो सुबह आए थे और अब रात का वक्त हो गया लेकिन अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इसी वजह से लोगों की नाराज़गी भी बढ़ रही है। तो सबका यही कहना है कि कम से कम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं घरों में खाना बनाने के लिए, जो केरोसिन और एलपीजी, क्या कह रहे हैं? केरोसिन नहीं है, नहीं है, अंदर है लेकिन नहीं देता है। अभी 1 बजे आया था, 1 बजे आया था, अभी तक पान करना इधर ही खड़ा। 1 बजे आए थे दिन में, कोई जो है 3 बजे आया था, कोई 12 बजे आया था, कोई सुबह आया था। ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग केरोसिन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा। कई लोग ऐसे हैं जो मायूस होकर जा रहे हैं, और उसका असर क्या पड़ रहा है? असर ये पड़ रहा है कि जब घर पहुंच रहे हैं तो वहां पर खाने पीने की चीज़ें, या अगर खाना बनाना है, एलपीजी नहीं है, केरोसिन पर खाना बनाना है, स्टोव पर खाना बनाना है, तो वो भी नहीं बना पा रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त श्रीलंका में काफ़ी आम है क्योंकि श्रीलंका आर्थिक संकट के एक बुरे दौर से गुजर रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, IBP News, निगम्बो।